दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जा चुका है और ये मैच काफी जबरदस्त रहा था, जहां इस मैच में श्रीलंका ने एक बार फिर से टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत आज के मैच में काफी जबरदस्त रही थी। इस मैच में श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरुआत इस मैच में काफी शानदार तरीके से करवाई थी, जहां श्रीलंका के दोनों ओपनर बल्लेबाज अभिशंका फर्नांडो और विनोद भनुका ने पहले विकेट के लिए 77 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ते हुए चहल ने एक ही ओवर में श्रीलंका को दो बड़े झटके दे दिए, जहां विनोद भनुका 36 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं राजपक्षे अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। हालांकि इसके बाद 25वें ओवर में अभिशंका फर्नांडो ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन इसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें आउट भी कर दिया था और इसके बाद धनंजय डिसिल्वा भी 32 रन बनाकर दीपक चहर की गेंद का शिकार बन बैठे और वहीं इसके बाद युजवेंद्र चहल ने 172 रन के स्कोर पर श्रीलंका को पांचवा बड़ा झटका देते हुए श्रीलंका के कप्तान धासून संका को भी आउट कर दिया और धासून संका बस 16 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि श्रीलंका के बीच बीच में विकेट गिरते रहे, लेकिन इस बीच 45वें ओवर में चरित असलंगा ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। हालांकि इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें 48वें ओवर में आउट कर दिया था और चरित असलंगा 65 रनों की पारी खेलकर आउट हुए थे और वहीं इसके बाद 50 ओवर का खेल खत्म होने के बाद श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट खोकर 275 रन बनाए। वहीं आखिरी में एक बार फिर से श्रीलंका की तरफ से चमिका करुरत्ने ने काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जहां भारतीय टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल को 3-3 विकेट हाथ लगी तो वहीं दीपक चहर को 2 विकेट मिली और अब भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए 276 रन बनाने थे। और जब भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो भारतीय टीम को इस मैच में पहला झटका ही 28 रन के स्कोर पर फनेंदु हसरंगा ने पृथ्वी शॉ को आउट करके दे दिया और पृथ्वी बस 13 रन बनाकर आउट हो बैठे। वहीं इसके बाद ईशान किशन भी बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं इसके बाद भारतीय टीम को 65 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका भी शिखर धवन के रूप में लग गया और धवन 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव के बीच चौथे विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप हुई। हालांकि ये पार्टनरशिप भी 115 रन के स्कोर पर जाकर टूट गई और भारतीय टीम को चौथा झटका रनआउट के जरिए मनीष पांडे के रूप में लगा और पांडे जी 37 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और वहीं इसी ओवर में हार्दिक पांड्या भी बिना खाता खोले आउट हो बैठे। हालांकि दूसरी तरफ खड़े सूर्य कुमार यादव जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और यही वजह रही कि उन्होंने 27वें ओवर में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। इसके बाद सूर्य कुमार के साथ मिलकर कुणाल पांड्या भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव 53 रन की पारी खेलकर संडाकन की गेंद पर LPW आउट हो गए और अब भारतीय टीम के 160 रन के स्कोर पर 6 विकेट गिर चुके थे। वहीं इसके बाद कुणाल पांड्या भी 35 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मैच हारने वाली है, लेकिन तभी दीपक चहर काफी लाजवाब बैटिंग करने लगे और उन्होंने 45वें ओवर में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। इसके बाद भारतीय टीम को आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए 3 रन बनाने थे और दीपक चहर ने चौका मारकर भारतीय टीम को जीत दिलवा दी। जहां दीपक चहर उनसे बनाकर नॉट आउट खड़े रहे तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने उनका पूरा साथ देते हुए वो भी 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे और भारतीय टीम दूसरा वनडे मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर चुकी है।